हेलो दोस्तों, टेकीडेब में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, Realme 8 का भी एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस नए अपडेट में क्या कुछ चेंज लॉग है, कब से आपको अपडेट मिलेगा, क्या कुछ करना है, सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं टेकी देव यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हियर यू कैन सी दैट सितंबर मंथ का Realme 8 का एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो द वर्जन यू आर गेटिंग इन दिस अपडेट इज 11A.20। तो इस अपडेट में काफी सारे जो बग्स था जिसे यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ चेंज लॉग इसके अंदर आपको देखने को मिलता है सितंबर मंथ की अपडेट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर यू आर गेटिंग एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। मतलब यहाँ पे आपको 5 सितंबर 2021 की एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल रहा है लेटेस्ट मंथ की। उसके बाद कैमरे के अंदर कुछ इशू था जिसे यहाँ पे फिक्स किया गया है। फ्रंट कैमरा में एनएफसी कार्ड आइडेंटिफिकेशन में कभी कभार कुछ इशू आपको देखने को मिलता था, उसे यहाँ पे फिक्स किया गया है। सिस्टम के अंदर यू कैन सी दैट सिस्टम परफॉर्मेंस को यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है और सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिला है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो कभी कभार वो स्टक हो जाता था, उसे यहाँ पे फिक्स किया गया है। और कभी कभार जब आप सुपर पावर सेविंग मोड से एग्जिट करते हो तो यहाँ पे रेड स्क्रीन आपको देखने को मिलता था, उसे भी यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम के अंदर जो काफी सारा बग्स था उसे यहाँ पे फिक्स किया गया है। सेटिंग्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कुछ बग्स था उसे भी यहाँ पे फिक्स किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप स्वाइप डाउन करके जो क्विक सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, स्वाइप डाउन करने से आपको मिल जाता है, बैकग्राउंड का कुछ इशू आपको देखने को मिलता था, उसे भी यहाँ पे फिक्स किया गया है। गूगल क्रोम तो हम सभी में यूज करते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, पीसी हो या फिर मोबाइल हो। तो गूगल क्रोम में एक फीचर आपको देखने को मिलता है, आप किसी भी पेज को पीडीएफ में सेव कर सकते हो, लेकिन इस डिवाइस में प्रिंट प्रीव्यू से अगर आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हो तो वो नहीं होता था, यहाँ पे आपको कुछ इशू देखने को मिलता था, उसे भी यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Realme 8 की सितंबर मंथ की अपडेट में काफ़ी सारा जो बग्स था यहाँ पे फिक्स किया गया है और लेटेस्ट मंथ की एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो फास्ट फेस का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपको OTA के थ्रू अपडेट नहीं मिला तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट फेस में कुछ लिमिटेड यूजर को ही मिलता है टेस्टिंग पर्पज के लिए। इफ देयर इज नो सच क्रिटिकल बग्स देन सबके लिए अपडेट को धीरे धीरे अवेलेबल कर दिया जाएगा, उतना दिन आपको वेट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैनुअल अपडेट भी अभी तक नहीं आया है, यहाँ पे मैनुअल अपडेट के लिए Realme 8 को अभी तक एड नहीं किया गया है। तो मैनुअल अपडेट तो अभी आपको नहीं मिलेगा, आपको OTA अपडेट के लिए वेट करना ही पड़ेगा। 5-7 दिन आप वेट कीजिए, बहुत ही जल्द आपको OTA के थ्रू अपडेट मिल जाएगा Realme 8 की सितंबर मंथ की अपडेट। सो दोस्तों, नीचे आप कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपके पास Realme 8 डिवाइस है, आपको OTA के थ्रू अपडेट फास्ट फेज में मिल चुका है या फिर अभी तक नहीं मिला। सो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।